भी हमारा एक्सपेरिमेंट जो ना वो फेल हो गया, तो यहाँ से कोई चार्ज सर्किट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हालचाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे जैसे आप तो सोच रहे हो मैंने तो व्लॉगिंग छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैंने अभी व्लॉगिंग छोड़ी नहीं। मैंने आज से कहा था कुछ दिनों के लिए व्लॉगिंग छोड़ूंगा, हो सकता है मैं महीने के लिए छोड़ूँ, साल के लिए छोड़ूँ। तो अभी महीना नहीं हुआ, तकरीबन दो हफ्ते हुए, तो ये कहाँ से मेरे पीछे पड़ गई है, दो हफ्ते हुए तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई है। तो अभी जो है मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे कॉल्स वगैरह कर रहे थे कि यार तूने व्लॉगिंग को छोड़ी है, तो व्लॉगिंग डाल, व्लॉग डाला कर। तो मेरे एक फ्रेंड है दुबई से, तो उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि यार तू व्लॉग छोड़ रहा है, गलत कर रहा है, इतनी मेहनत की है तू व्लॉगिंग डाल लिया, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चले ठीक है, व्लॉग मैं डालूंगा, लेकिन व्लॉग मैं वो डालूंगा जो किसी आइडिया पे मुनसर हो, यानी कि किसी कोई आइडिया हो तो वो मैं व्लॉग बनाऊंगा। वैसे जो मैं बनाता था रूटीन के व्लॉग्स वो अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने सोचा है, लेकिन हो सकता है मैं वो भी बनाऊं। तो फिलहाल मैंने यही सोचा है कि किसी आइडिया पे व्लॉग बनाऊंगा। तो आज का जो आइडिया है तो वो आइडिया ये है कि आज हम करेंगे टॉप स्पीड टेस्ट, टॉप स्पीड टेस्ट वो भी हमारी तीनों बाइक्स का, यानी कि सिटी 70, 125 और जो मेरी निंजा 250 है। तो इन तीनों बाइक की हम जो है टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, तो वो अभी करते हैं। तो वैसे आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया, तो अभी बारिश हो इससे पहले हम टेस्ट कर लें, ताकि फिर रोड्स वगैरह गीली हो जाती हैं। अभी मेरा ख्याल बारिश स्टार्ट होगी, मैंने बारिश का नाम लिया है, तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। यार मैंने यार बाकी एक बात मैंने आपको बता दी थी कि जो मेरे चूजे हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा शरारती हो गए, मेरा दो मरतबा इन्होंने ना अच्छा खासा नुकसान कहले कर दिया है, नुकसान अच्छा खासा तो नहीं, मतलब कि इनके लिए मैं खुराक ले करता हूँ। ये एक दिन भी नहीं चलने देते, हालांकि ये पूरे हफ्ते की खुराक होती है, तो ये हाल कर देते हैं खुराक का। ये देखें सारी, पहले मैंने इन्होंने एक मरतबा किया तो मैंने कहा कोई नहीं खैर, दोबारा मैंने ला के दोबारा रखे तो दोबारा भी उन्होंने वही हाल कर दिया है। तो अभी वेट करते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है तो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, अगर तो बारिश रुकी ना तो फिर निकलेंगे और जो हमारा आइडिया है वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अगर बारिश ना रुकी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपने मेरी कटिंग वगैरह देखी होगी तो आप सोच लोगे ये किस तरह की इसने कटिंग कराई है, पता नहीं अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही, तो मुझे तो खैर अच्छी लग रही थी, मैंने करवा ली है, तो अभी तो फिर भी कुछ ठीक लग रहा हूँ, तो मैंने तो ये क्लीन शेप पूरा करवा लिया था, तो अभी मेरी हल्की हल्की दाढ़ी आ गई है तो अभी ठीक है। तो कुछ ये भी वजह थी कि व्लॉगिंग ना करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था ना मैं वो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा आपने ना हंस हंस के पागल हो जाना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बारिश थोड़ी सी ना हल्की है, कह रहे हैं कि जैसे फवा नहीं होती वैसे पड़ रही है, तो अभी व्लॉग हो सकता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जिस बाइक का अभी कर सकते हैं वो कर लेते हैं, अगर तो बारिश होगी, अभी इम्कान इतना ज़्यादा है नहीं वैसे लग रहा, अगर हो सके अभी जिस बाइक का कर सकते हैं तो वो करते हैं स्पीड टेस्ट, बाद में बारिश होगी फिर देखेंगे क्या करना है। तो अभी चलते हैं, अपना हेलमेट ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे पड़ा है मेरा हेलमेट व्लॉगिंग वाला, ऊपर कपड़े हैं नीचे हेलमेट है, इससे पहले बारिश आ जाए ये निकाल लेते हैं बाहर। चलो जी चलो जी जल्दी 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 जल्दी, अभी बारिश हल्की है जल्दी से निकल जाते हैं। अभी एक काम करना रह गया तो वो काम जो है ना जल्दी जल्दी से कर देते हैं, अभी बारिश है दोबारा से तेज हो गई है, एक दो छिपकली का बच्चा बाद में देखेंगे इसे। क्या हाल चलो जी, दूध वाली बोतलें हैं वो तो पकड़ा दी हैं, तो अभी बारिश भी है ना थोड़ी सी हल्की, अभी निकल लेते हैं दोबारा जल्दी से ताकि हमारी वीडियो बन जाए। फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो 70 का करेंगे, तो इसमें पेट्रोल है, हाँ पेट्रोल है इसमें, तो अभी चलते हैं 70 का टेस्ट करके आते हैं। टॉप स्पीड तो खैर थोड़ी होगी इसकी जो कि मेरी 250 से और 125 से, वैसे ये चेक करेंगे कितनी देर में ये कितनी स्पीड पर करता है, टॉप स्पीड तो जाहिर सी बात है छोटा है मोटरसाइकिल, मैं अपनी फूल आया हूँ तो बिल्कुल अंधा हो गया, यहाँ पे तो स्पीड चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये जो रोड है ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इतना छोटा से छोटा है, यहाँ पे पता चल जाएगा इसका, दो आगे लग चुका है इसे 30 तक गई है और तीसरे में चली गई है 40 तक, और तकरीबन गई है 60 तक गई है, तो बहुत है इतना सा। तो अभी दूसरा बाइक है ना वो लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से ये टेस्ट ठीक है कि ये रोड में ना कितनी जल्दी है कितनी स्पीड पकड़ लेती है, तो अभी इसमें तकरीबन गया ये 40 तक गया हुआ, तो अभी दूसरा बाइक लेके आते हैं अपना 125, तो वो चेक करते हैं वो कहाँ तक जाता है। भाई को आग लग गई है, बड़ी
अभी हमारा एक्सपेरिमेंट जो ना वो फेल हो गया, क्योंकि हमारी जो बाइक ना आग लगने से बच गई है। तो यहाँ से कोई चार्ज सर्किट हुआ है और यहाँ से धुआं निकला अच्छा खासा और बदबू भी अभी आ रही है। तो अभी मैंने बाहर निकाली, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो पता नहीं यहाँ पे कोई मसला बना है, बैटरी का इशू है, क्या इशू है, मैं खोल के वो चेक करूँ तो देखते हैं क्या मसला है। मैं देखा मैं तो डर गया था, मैंने कहा गई बाइक, तो अभी से खोल के चेक करते हैं। अभी बाइक है तकरीबन मैंने सारी खोल दी है, तो अभी देखते हैं कि किस जगह जो है वो आग लगने लगी थी। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था काम। ये सीट तो ठीक है, और आग कहाँ पे लगी है यार? ओ ये देखें, ये देखें, ओ हो ये दोनों वायर जो हैं पिघल गई हैं गर्म होके और आपस में जुड़ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें नुकसान होते होते बचा है मेरा, बहुत ज़्यादा नुकसान होते होते बच गया है। तो अभी मैं ना ये बैटरी में रखा ख़राब हो गई है, तो जिसकी वजह से अब मुझे नहीं पता ये बैटरी की वजह से हुआ है कि ये वायर्स हैं ये निकम्मी डाली थी, तो इनकी वजह से ना नुकसान होते होते बच गया मेरा। तो अभी मैं आया था उस बाइक की राइड करके, तो मैंने कहा बारिश ना हो तो इससे पहले इसे राइड कर लें कि बारिश में ये नहीं चलेगी। तो मैंने इसका सल्व लगाया, तो जो मेरी बाइक से ना धुआं निकलना शुरू हो गया, पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी तो बाद में धुआं आया अचानक यकदम से बहुत तेज, मैंने उसी वक्त बंद कर दिया। शुक्र है गाड़ी भी बच गई, हमारी बाइक भी बच गई, तो नुकसान होते हुए बच गया हमारा। बैटरी भी निकाल देता हूँ मैं इसकी बाहर, इससे पहले कि बैटरी को भी नुकसान, बैटरी चेक करवानी पड़ेगी ठीक है कि नहीं। तो आज की जो हमारा था मैंने आइडिया वो तो हो गया, फिर मेरी तो एकदम बटन ना चीखे निकल गई हैं, तो मैंने कहा दो जी आज बाइक मेरी चल गई है, तो शुक्र है अल्लाह बच गया। चलिए गाइस ये बाइक तो अभी फिलहाल ये खड़ी रहेगी, अभी नहीं चलेगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता अब क्या कहें इसको। तो नुकसान होते थे बच गया हमारा, वार्निंग ही कह लें एक थी। तो अभी मैं बैटरी डायरेक्ट इसे नहीं लगाऊंगा, पहले मैं बैटरी किसी को चेक करवाऊंगा। मेरे ख्याल में ये वायर्स है ना, मैं कल फैसलाबाद गया था तो हीट अप हो गई हैं, तो उसकी वजह से ना ये आपस में जुड़ गई हैं, जो इनका हालत है आप देख सकते हैं वायर्स की। तो मुझे यही लग रही है कि हीट अप हो गया ना, ये आपस में जुड़ गई थी। तो ये सिनेरियो था, यहाँ पे खड़ी है मेरी बाइक, ये खड़ी है गाड़ी। तो अभी ऐसा है कि मैंने बाइक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सलफ लगाने के लिए चाबी को ऑन किया और सलफ लगा रहा हूँ, तो सलफ नहीं लग रहा, एक सलफ लगता है बंद हो जाती है, एक लगता है बंद हो जाती है। तो मैंने कहा इसे हुआ क्या, इतनी देर में मुझे ना बदबू सी आई, तो मैं यहाँ पे कर रहा था मुझे थोड़ी सी बदबू आई, तो मैंने इस तरफ देखा तो यहाँ से ना धुआं निकल रहा है नीचे से काफ़ी ज़्यादा तेज़। तो अब सिनेरियो क्या है, ये सीट है, यहाँ भी नट लगा है, यहाँ भी नट लगा है और सीट के भी नट लगे हुए हैं, और इसके नीचे है बैटरी। अगर बैटरी को आग लगती तो सीट है फोम प्लास्टिक है, इसे आग लगनी थी, और इसके साथ यहाँ पे है जी ऑयल वाला टैंक और बाकी सारी जो बाइक है वो भी प्लास्टिक ही है। तो मतलब कि उसे आग पकाने में मिट भी नहीं लगाना था, और अल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान से हमें बचा लिया। ये बाइक भी आजकल जो है 5-5.5 लाख की है, और साथ ही हमारी गाड़ी खड़ी थी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते होते हैं ना अल्लाह ने बचा लिया, तो अल्लाह का काफ़ी ज़्यादा शुक्र है। तो अभी बैटरी जो है मैंने वहाँ पे रख दी है, तो बैटरी अभी चेक करनी होगी, मेरे ख्याल में जो बैटरी है ना वो भी ख़राब होगी, ये चेक करें, बैटरी को आग लगने ही वाली थी, थोड़ी देर में बचत हो गई है। तो अभी बैटरी जो है दूर ही रखेंगे खास तौर पे, तो चेक करवाएंगे कि बैटरी को तो नहीं कोई मसला हुआ, तो फिर अगली बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक काम है वैसे। तो बाकी आज का जो मेरा था कॉन्सेप्ट वीडियो का, तो वो तो फेल हो गया, जो कि आपके सामने सूरत हाल है वो हो गई है। तो जितना भी व्लॉग बनाया मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपकी दुआ की वजह से बचाऊँ, तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक लेता ही अल्लाह हाफिज़।